आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और राज्य की सभी पार्टियां चुनाव लड़ने की तैयारी जोर शोर से कर रही है। जहां विपक्ष सरकार की खामियां गिनाने के लिए जनता के पास जा रही है, वहीं सत्ता पक्ष के मंत्री एवं नेतागण सरकार के विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैली कर रही है और वर्चुअल रैली के माध्यम से सरकार के विकास को जन जन तक पहुंचाने की बात कह रही है। इसी कारवां को बढ़ाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने पूर्णिया में एक बैठक आयोजित कर मीडिया को बताया कि 5 सितंबर से 10 सितंबर तक बिहार के हर जिले में ओबीसी जातियों का वर्चुअल सम्मेलन जूम ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें ओबीसी जातियों के विकास और उत्थान पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा वर्ग मंच पूरे बिहार में 5 तारीख से 10 तारीख तक, इसी सितंबर में, कल से जाति सह महासम्मेलन वर्चुअल करने जा रही है। इस माध्यम से हम लोग प्रत्येक घर तक जाने वाले हैं और जूम ऐप के माध्यम से सरकार की उपलब्धि को बताएंगे और हमारे नेतागण उस पर प्रकाश डालेंगे और बात भी रखेंगे। इस महासम्मेलन में भूतो न भविष्यति, न ऐसा कभी हुआ था न होने वाला है, 40 से अधिक जातियों का, अति पिछड़ा में 40 से अधिक जातियों का ये महासम्मेलन वर्चुअल होगा जो 5 तारीख से 10 तारीख तक है। पहला चंद्रवंशी समाज कल 11:30 से प्रारंभ है ये, फिर नोनिया, बिंद, बिलवाड़, निषाद, कानू, तेली, प्रजापति, राजवंशी, धानुक, मालाकार, तांती, कामत, केवट, रौंडर, खरहट, डांगी, लोहार, नाई, चौरसिया, गंगोता, पाल, अमात, गनगई, ऐसे 50 से ऊपर उपजातियाँ हैं अति पिछड़ा में। उससे हम लोग जो है जूम ऐप के माध्यम से रूबरू होने जा रहे हैं। कहने का भाव मेरा ये है कि आज तक राजद और कांग्रेस ने इस अति पिछड़ा समाज को हमेशा से दबाने का काम किया है। अत्यंत पिछड़ा के लोग समाज को धोखा देने का काम किया गया है। कांग्रेस ने 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आयोग गठित किया, काका कालकर कमिटी। उसके 1955 में रिपोर्ट आई, 45 वर्षों तक उस रिपोर्ट को ये कांग्रेस और राजद, उस समय कांग्रेस ही था, राजद नहीं था, कांग्रेस ने झूठा अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को केवल और केवल धोखा देने का काम किया। उस आयोग को जो रिपोर्ट आया काका कालकर आयोग को, उसको ठंडे अवस्था में रख दिया, न ही आयोग का गठन किया और न ही पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। जब जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया, 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी शामिल थे। 1980 में पिछड़ा वर्गों की सरकारी नौकरियों में 27% के आरक्षण देने के लिए आई कमीशन का रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने 10 वर्षों तक ठंडे अवस्थे में, मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1978 में जननायक कर्पूरी जी सरकार के नौकरियों में व्यवस्था की, जिसमें हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय कैलाशपति मिश्र जो है उस सरकार में शामिल थे। अब बताते हैं आपको कि इन्होंने, राजद और कांग्रेस वाले ने, केवल और केवल अति पिछड़ा समाज को, पिछड़ा समाज को धोखा में कैसे रखा। विधानसभा 2015 में विधानसभा की कुल 41 सीटों पर कांग्रेस ने एक भी टिकट अति पिछड़ा को नहीं दिया, कांग्रेस ने एक भी टिकट अति पिछड़ा को नहीं दिया, जबकि भाजपा ने इस अति पिछड़ा समाज को 25 लोगों को टिकट दिया, जिसमें 12 लोग चुनाव जीत के आए और
चार लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, वहीं 2019 में पांच लोगों अति पिछड़ा के समाज से भाजपा के टिकट से सांसद बने। AGL redefines glamour with its ultra